भाजपा की वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का बुधवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सिन्हा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वह एक समाज सेवी के अलावा कुशल लेखिका भी थी, जिन्होंने साहित्य और सांस्कृतिक जगत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। भाजपा के एक नेता के मुताबिक 77 वर्षीय सिन्हा का बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। शनिवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। वह बिहार से थी और जनसंघ से जुड़ी हुई थी। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गई थी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्रीमती मृदुला सिन्हा जी को उनकी जन सेवा के लिए याद किया जाएगा। वे एक कुशल लेखिका थी, जिन्होंने साहित्य के साथ साथ सांस्कृतिक जगत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। शाह ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत देश, समाज और भाजपा संगठन के लिए काम किया। उन्होंने ट्वीट किया, गोवा की पूर्व राज्यपाल व वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने जीवन पर्यंत राष्ट्र, समाज और संगठन के लिए काम किया। वे एक निपुण लेखिका भी थी, जिन्हें उनके लेखन के लिए भी सदैव याद किया जाएगा। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निधन को पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा, गोवा की पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात साहित्यकार एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा जी के निधन से मन व्यथित है। उनका निधन भाजपा परिवार के लिए एक अपुण्य क्षति है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ तथा शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिन्हा का निधन उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। वे अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निभाने में सहज और सफल रही। उन्होंने कहा, एक लेखिका के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका पूरा जीवन समाज और साहित्य की सेवा के प्रति समर्पित रहा। मृदुला जी ने हमेशा महिलाओं, वंचितों और अन्य निर्बल वर्गों से जुड़े मुद्दों को अपनी आवाज दी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनके प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।